नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आकाश जाटव नाम के एक दलित बंदी की जेल में मौत को लेकर भयंकर बवाल हो गया। शुक्रवार की रात जमकर पत्थर चले, फायरिंग हुई और साथ ही जमकर आगजनी भी की गई। बताया जा रहा है कि बंदी की मौत के बाद भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसे लेकर काफी उत्तेजित थे और पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही एम्बुलेंस वहां से निकली तब ऐसी जानकारी मिल रही है कि भीम आर्मी से जुड़े कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को रोका, वहां पर जाम लगा दिया गया और इसके बाद जो बवाल शुरू हुआ तो फिर पूरे इलाके में जैसे दंगा फैल गया। पुलिस काफी देर तक समझाने की कोशिश करती रही लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि कोई कुछ समझने को राजी नहीं था और आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस तो फूंकी ही, साथ ही पुलिस की कई गाड़ियों को भी तोड़ डाला और इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए और जो डायल 112 थी उसको भी आग के हवाले कर दिया गया और वहां पे सड़क के किनारे दर्जनों जो बाइकें खड़ी थी उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी, बल प्रयोग करना पड़ा और भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। और आपको बता दें कि दोनों तरफ से, एक तरफ जो आक्रोशित भीड़ थी वो पत्थर बरसा रही थी, दूसरी तरफ से पुलिस वाले उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको बताते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिरोजाबाद में पुलिस ने आकाश जाटव को 19 तारीख को चोरी के आरोप में हिरासत में लिया और दो दिन के बाद ही हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। घटना बेहद दुखद है, मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं, प्रकृति उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं फिरोजाबाद पुलिस से मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करता हूं, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से मृतक आकाश के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी करता हूं। तो ये प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद की इस पूरे बवाल के बाद। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अलीगढ़ में भी एक दलित की मौत के बाद काफी बवाल हुआ था, वहां पे भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पे भी पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद अपना समर्थन देने के लिए। लेकिन फिरोजाबाद में जिस तरीके से भयानक बवाल हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है और जैसा हमने आपको बताया कि इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, एक शख्स के हाथ पर बताया जा रहा है कि गोली भी लगी है। और ये जो पूरा मामला है उसमें दरअसल चोरी के मामले में 19 जून को इस युवक को जेल में भेजा गया था, 20 जून की शाम को ऐसा बताया जाता है कि उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे सरकारी अस्पताल भेजा गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और तभी से परिजन बहुत आक्रोशित थे और इस पूरे मामले को लेकर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे वो भी बहुत उत्तेजित हो गए, जिसके चलते ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस मामले में अब आगे की कार्रवाई उपद्रवियों पर की जाएगी। और इस बीच तड़के इस युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, ये जानकारी भी मिल रही है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लाइव हिंदुस्तान पर हम दिखाते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।